किसान आंदोलन के पक्ष में जिस तरह से बाकी और तबका सामने आया है, उससे एक बात लग रही है कि यह एक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पे विकसित हो गया है। इसकी गूंज तमाम राज्यों में फैल चुकी है और आने वाले दिनों में जिस तरह से गोलबंदी इन तीन कानूनों और कॉरपोरेट लॉबी के खिलाफ हो रही है, उसने एक दूसरे ढंग की लड़ाई को, देश और लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई को तेज़ कर दिया है। बताइए कि अभी 22 दिन हो गए किसान आंदोलन को, आगे क्या करेंगे? आगे संघर्ष जारी रहेगा, इस संघर्ष को मजबूत करेंगे। जैसे पहले पंजाब से तुरे से तो ऐसे लगता सी दिल्ली सरकार ने भी कल पंजाब वाले लड़ते हैं, और उसके बाद असी हरियाणा को नाल लिया, अब दूसरी स्टेट है जो राजस्थान है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, वहाँ भी जड़ा है आंदोलन फैलने लगा है। वो सब संयुक्त मोर्चे के बीच में आ रहे हैं, तो इस संघर्ष को और तिखा करेंगे। मोदी सरकार तो अभी सुन नहीं रही और उसका मानना है कि किसानों को समझ नहीं आ रहा है। नहीं, मोदी सरकार के जोड़े कानून आ सू समझ आए हुए ने, सू भी मौत के ब्रांट ने, असी मौत की ब्रांट मतलब जोड़े वापस कराने, असी जी भारतीय किसानियों ज्यौदा रखना, इस करके कोई समझने वाली बात नहीं है। वो पूरे का पूरा जोड़ा कानून रद्द करे बिना हम वहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन अभी जो हाल है उसमें तो आपकी जितनी मुलाकातें हुई हैं उसमें तो सरकार ने अभी तक कहा है कि हम कुछ संशोधन कर देंगे, हम कानून वापस नहीं लेंगे, खाली संशोधन कर देंगे। देखो ना, जो हमने हमने ऐतराज रखे सी, लिख के दिया था भी इतना ऐतराज है, इसका जवाब दो, जवाब दो। सरकार ने ये कहा, अब सरकार कहती है वो खाली खोल रहने दो, उसमें सारा कुछ निकाल लेते हैं, जिसको किसान पक्षी बोलते थे ना, अब बोलते हैं सारा निकाल लेते हैं, उस कानून का खोल बने रहने दो। जो खोल है बड़ा खतरनाक है, वो खोल है ना जो सूबियां दे वध अधिकार ने, सूबियां को मतलब खा जाएगा, सेंटर सूबियां को खा जाएगा पंजाबी में के, वो खोल भी नहीं रहने देंगे। पहले इस गल को मना लिया हमने सरकार को भी ये कानून गलत है, उसमें से निकाल लेते हैं मतलब खोल से, अब खोल भी तोड़ना ही पड़ेगा, खोल तोड़ेंगे तो जोड़े तीनों कानून है वो वापस कराएंगे, तो ही भारत का किसान बचेगा, तो ही भारत की जी 50% आबादी खेती ऊपर है निर्भर, तो ही बचेगी, नहीं तो जी साम्राज्य कंपनी है शक जाएंगी। साईनाथ, एक चीज़ जो आपसे जाननी है कि ये पहला किसान आंदोलन है इस तरह का जिसने सीधे सीधे कॉरपोरेट को निशाने पर लिया है, सीधे सीधे नारे लग रहे हैं, बैनर लगा है अंबानी और अडानी पर, क्या क्या चेंज आपको लगता है? ये मैंने कहा आज, ये कॉरपोरेट जगत के खिलाफ संघर्ष है, दिस इज अ फाइट अगेंस्ट कॉरपोरेट पावर। और मीडिया का रोल देखिए उसमें, जो सबसे अमीर व्यक्ति है इस देश में मुकेश अंबानी, मीडिया का सबसे बड़ा मालिक कौन है? सबसे बड़ा मीडिया मालिक अंबानी। और इन लोग के खिलाफ किसका बेनिफिट हो रहा है? अंबानी। कॉरपोरेट जगत के खिलाफ ये संघर्ष है, दैट इज द थिंग। और एक और चीज, जिस तरह का भ्रम मीडिया के जरिए और बाकी के जरिए एमएसपी के इर्द गिर्द है, उसको कैसे किसान आंदोलन आपको लगता है फाइट बैक करेगा? क्योंकि अभी लोग बोल रहे हैं कि पंजाब का किसान है, अमीर किसान है, पिज्जा खाने वाला किसान है, ये सारा नरेशन वो बिल्डअप कर रहे हैं। अमीर किसान जो होगा, शांता कुमार, शरद पवार, ये लोग अमीर किसान है। देश का पूरा एक नेशनल एवरेज है किसान का आई इनकम 6,426 rupees इज द एवरेज इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस ऑफ द फार्म हाउस होल्ड इन इंडिया, वो एवरेज है। पंजाब उससे डबल भी हो सकते हैं, उसमें अमीर अब 10,000 में अमीर बन जाते हैं, और वो इनकम इंडिविजुअल का नहीं है, हाउस होल्ड का है। हाउस होल्ड में 5 जन होगा, समझो कि 15,000 भी होगा पंजाब में, 5 जन का ले लो, पर कैपिटा कितना? 3,000। एक आखिरी चीज़,
आई हैव टू गो नाउ। पार्लियामेंट में लॉन्ग मार्च मतलब तीन चरण रहे, एक तो नासिक से मुंबई, उसके बाद पार्लियामेंट मार्च और अब ये किसान आंदोलन। ये एक और स्टेज है वो स्ट्रगल में जो चल रहा है, एक और स्टेज है स्ट्रगल में, और उसके और पंजाब का किसान उसमें सामने है, दे आर एट द हेड ऑफ द स्ट्रगल। लेकिन मीडिया आपको नहीं कहती है कि महाराष्ट्र में 70,000 किसान सॉलिडेरिटी में आया प्रोटेस्ट में नवंबर 26 को। मीडिया आपको ये नहीं कहता है कि लाखों लाखों मजदूर नवंबर 26 जनरल स्ट्राइक में किसानों का मांगी भी उठाया और एंडोर्स किया। देखिए, जहां डोंबिवली मुंबई में ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स यूनियन फॉर फार्मर्स एक बोर्ड लगा के हर आदमी से सिग्नेचर लिया उनका डिमांड। देखिए, वैसे तो जनरली हमारा कॉल था कि कॉरपोरेट्स का बाइकआउट करो, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकली जो पावर में गवर्नमेंट है, उस पॉलिटिकल पावर के गवर्नमेंट्स के सबसे क्लोज जो कॉरपोरेटर्स हैं, जो हम देख रहे थे कि अंबानी और अडानी है, जिसको पिछले समय में मोदी गवर्नमेंट में बहुत बेनिफिट मिला है, तो ऐसा हुआ कि देखिए अंबानी के तमाम पेट्रोल पंप जो थे रिलायंस के, उनको बंद कराया गया, पंजाब में बंद कराया गया, उनको सारे पेट्रोल पंप बंद कराए गए, सात माल्स के सामने लोग बैठे उनके, जियो का बायकॉट करने का कॉल दिया गया। तो अंबानी के जितने भी रिलायंस के जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थे, उसके खिलाफ लोगों ने पूरी एक मुहिम चलाई। और अडानी का एक बहुत बड़ा एक गोडाउन है मोगा के पास, उसके सामने लोग धरना लगा के बैठ गए, उसको नहीं चलने दिया। तो ये जो हमारा मूवमेंट था रेल ब्लॉकेड का, रेल के पूरे 35 जगह पर रेलवे के ऊपर लोग बैठ गए और पंजाब में एक भी गाड़ी उस समय नहीं घुस पाई। पंजाब से आप दिल्ली पहुँचे, दिल्ली पहुँचे आपको 20 दिन से ऊपर हो गए हैं, 26-27 नवंबर को आप यहाँ पहुँचे थे, और तब से लेकर अभी तक जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, आपकी बातचीत सरकार से हो रही है, सरकार बार बार कहती है कि आपसे बातचीत करने को तैयार है, बुलावा भी आता है, रात में गृहमंत्री अमित शाह अचानक बुलाते हैं, लेकिन आगे का रास्ता क्या? नहीं, मैं उसको थोड़ा एक और कंप्लीट कर दूं कि 26-27 को जो हमारा आना था, इसका एक मैं और प्रक्रिया बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अपने गुरुद्वारा साहब में 250 संगठनों से ज़्यादा संगठनों का बैठक हुआ, जिसमें एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन हुआ, और ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन की तरफ से 26-27 का कॉल दिया गया, और उसके बाद फिर एक कोऑर्डिनेशन बना जिसमें 26-27 की कॉल को, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा का नाम दिया गया और 26-27 की कॉल को अडॉप्ट किया गया। 26-27 के, इसीलिए देश के बाकी हिस्से में भी थोड़ा कम है, लेकिन देश के बाकी हिस्से में भी किसान आंदोलन है। पंजाब के किसान 26 को चले, 26 के यूथ, उस समय तक यूथ पूरा इन्वॉल्व हो चुका था पंजाब का, और ये बैरिगेड जो लगे हुए थे पंजाब के किसान नौजवानों ने, उनको तोड़ दिया, तोड़ते हुए वो दिल्ली के दरवाजे तक आ गए, दोनों साइड से, रोहतक रोड से भी आ गए, इस रोड से भी आ गए। और अभी उसके बाद ही ये जो पलवल वाला और ये गाजीपुर वाला और अभी जयपुर दिल्ली वाला, ये भी अभी शुरू हो गए थे, लेकिन उतने सक्सेसफुल नहीं थे। ये जो दिल्ली के दरवाजे पर आके बैठे थे, हम ऐसा सोचा ही था, बल्कि दो तरह के विचार थे, दिल्ली अंदर जाया जाए या दिल्ली के बाहर ही बैठा जाए। तो लोगों ने मौके पर ये तय किया कि दिल्ली के बॉर्डर पर ही बैठे। वो तो आपको बुरारी बुला रहे थे। हाँ, बुरारी बुला रहे थे, लेकिन लोगों ने रिजेक्ट किया कि बुरारी हम नहीं जाएंगे, बुरारी एक खुली जेल है। हमारा ये था कि या तो रामलीला ग्राउंड हमने अप्लाई किया था, वो देते हमको, वो स्ट्रगल का ग्राउंड तो वो है, और बुरारी ग्राउंड के बारे में थोड़ा सा लोगों के मन में ये भी था कि निरंकारी ग्राउंड बोलते थे, सिखों में निरंकारियों और सिखों का एक कंट्राडिक्शन रहा, इसलिए बुरारी ग्राउंड को लोगों ने यहीं रद्द किया। उसमें भी दो व्यू थे, चले जाना चाहिए नहीं, लेकिन नहीं जाना चाहिए था, जो विचार जो है उसको इम्प्लीमेंट हुआ और लोग यहाँ बैठ गए, और लोग बैठने के बाद लगातार यहाँ आते जा रहे हैं, और ये भीड़ जो पहले दिन थी उससे कई गुना ज़्यादा स्वेलअप हो गई है और स्वेलअप होती जा रही है। मोदी सरकार कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों को समझ नहीं आ रहा, ना समझ है किसान, भड़का दिया है उनको। ऐसा है, मोदी को खुद समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ, मोदी को समझ मारा है, अंबानी अडानी के दबाव में ऐसी भाषा बोल रहा है इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए। अब देश की जनता जान चुकी है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे कर्मचारी, सब जान चुके हैं किसान किसान के विरुद्ध नहीं है, कानून पूरे देश की जनता के विरुद्ध है।
और वो अंबानी अडानी के चक्कर में ऐसा कर रहा है। राजा को दिलों पर राज करना चाहिए, वो बददुआएं ले राज, उसने तुरंत हमारी बात को मान लेना चाहिए वरना इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हरियाणा सरकार ने हमारी बात को नहीं माना तो बहुत जल्दी सरकार गिरने वाली है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश पूर्ण रूप से किसान और मजदूरों का है, किसानों का प्रदेश है। उस जब किसानों की बात नहीं मानी जाएगी और ये एक बगावत होने वाली है, सभी MLA भागने वाले हैं और ये सरकार गिरने वाली है। गवर्नमेंट ने डे वन से इस तरह का रुख अपनाया हुआ है कि पहले तो मोदी साहब और उसके कह रहे थे कि नहीं जी ये कानून बहुत अच्छे हैं, फिर बोलने लगे ठीक है कानून में अगर कुछ बुराइयां हैं तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इसमें हम कुछ एडिशन कर लेते हैं, कुछ सब्सट्रैक्शंस कर लेते हैं, तो संशोधन कर लेते हैं। तो आपको ये बताऊं कि जिस दिन हम अमित शाह से मिलने गए थे उसी दिन उन्होंने खुद माना कि हाँ यार हमारे से हम उस समय डिस्कशन नहीं कर सके, तो ये तो एक अगर उस समय गलती होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम डिस्कशन ना करें। तो कहना मेरा ये है कि लेकिन गवर्नमेंट जो है ये अड़ी हुई है, ज़िद्दी गवर्नमेंट है, एक तरह का ज़िद्दी लोग हैं जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं। इतनी बड़ी बात नहीं है ये गवर्नमेंट के लिए, लेकिन उनको लगता है कि अगर शायद हम मान जाएं किसानों की बात, शायद गवर्नमेंट का जो प्रेस्टीज है, मोदी जी का जो प्रेस्टीज है, गवर्नमेंट का जो प्रेस्टीज है, वो शायद स्टेक पर लग जाए। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा गुजरात में कच्छ में जाकर कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनके बहकावे में हैं। कई बार वो लोग बोलते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, अलग अलग भाषाएं या शब्द इस्तेमाल हो रहा है किसान आंदोलन के लिए। देखिए मैं पहले भी कहना चाहता हूं कि जब तक आंदोलन ये पंजाब में था तब भी BJP के लोग इसी तरह से बात कर रहे थे उस समय, लेकिन धीरे धीरे उनको वो ठीक हो गए, फिर उनके कुछ लोगों ने रिज़ाइन करना शुरू कर दिया, फिर तो इस तरह का बोलना उन्होंने बंद किया, एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए आंदोलन अगर इस तरह का होता तो आंदोलन इतना विकराल रूप कैसे बन जाता। ये मैं ये बात बहुत गर्व से कहना चाहता हूँ कि पंजाब के किसान संगठनों ने किसान इशू और किसानों को शामिल करने के अलावा और कुछ इनका वो नहीं है। कभी भी इन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को अपने मंच पर जगह नहीं दी। अगर किसी ने आना है तो यूनियन का झंडा हो उसके हाथ में, पीछे आके बैठ जाए, हम इस तरह का वो BJP भी करेगी तो हमको कुछ आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तरह का टुकड़े टुकड़े गैंग या ये बिचौलिए हैं, ये कांग्रेस का समर्थन है, अपोजिशन पार्टियों का समर्थन है, ये BJP एक तरह का ऐसे बोलिए कि हड़बड़ाई हुई बात कर रही है। क्योंकि मैं आपके साथ एकदम सहमत हूँ कि किसी को सपना भी नहीं था कि किसान आंदोलन छोटे छोटे गांव से उठकर इतना विकराल रूप धार लेगा। किसान आंदोलन में जिस बात की आशंका पिछले कुछ समय से जताई जा रही थी वह जमीन पर घटित होती दिखाई दे रही है। जिस तरह से ग्रंथी राम सिंह ने आत्महत्या की और अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उन्हें गहरा दुख है कि सरकार किसानों के दर्द को समझ नहीं रही और इस दुख को वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, यह आशंका लगातार बढ़ती जा रही है कि इस तरह के खतरनाक कदम किसान और किसानों के समर्थन में उतरे लोग उठा सकते हैं। जी मेरा नाम जोगेंद्र सिंह सेंगर है, मैं एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का एक सर्विसमैन ग्रुप है जिसका नाम है इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा ग्रुप हिंदुस्तान के 570 जिले में चल रहा है और हमारा ग्रुप राष्ट्र प्रथम के सिस्टम पर काम करता है, नेशन फर्स्ट की थ्योरी पर काम करता है। हमारे ग्रुप में कोई किसी भी धर्म की वो बात नहीं है, जो इस पर पैदा हुआ है, भारत भूमि पर भारत का बच्चा है, उसे जाति धर्म में बांटा नहीं जा सकता है। आर्मी वाले जितने भी किसान के बच्चे हैं 100% किसान के बच्चे हैं। आज ये आंदोलन हो रहा है किसानों का, ये आंदोलन किस तरह से होता है, जो बिल पास होते हैं वो उद्योगपति अपने सारे से नेताओं से बिल पास करा देते हैं, किसान है नीचे परेशान रहता है, 5 रुपये में आलू बेच रहा है या 50 रुपये में बिकता है, उनका कुछ नहीं निकलता है। हम ये चाहते हैं कि जितने भी किसान की यूनियंस हैं
उनको इस बिल पास, कोई भी बिल बनता है उसको पास कराने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करे सरकार। उनको आदमी बैठे, वो अपना बिल खुद उसमें बैठना चाहिए उनको। जवान क्या किसान के साथ खड़े होंगे? जवान पूरे किसान के साथ खड़े हुए हैं, और जेपी आंदोलन से देख लो जितने भी आंदोलन हुए हैं सरकार को झुकना पड़ा है। सरकार को ये सब कानून, तीनों काले कानून को वापस लेना होगा, और उसके बाद नया कानून, ये जितनी यूनियन से हमारी किसानों की और उनके थ्रू जो बनेगा उसी में हम एक चीज सरकार कह रही है कि ये देशद्रोही है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, देश को तोड़ना चाहते हैं, इसमें खालिस्तानी है, बहुत ही अलग अलग खराब नामों से इस आंदोलन को पुकारा जा रहा है। अगर ये अच्छे लोग हैं तो फिर सरकार को क्यों नहीं दिखाई दे रहे? ये देशद्रोही है तो इनके 100% फौजी इनके बच्चे होते हैं, वो बच्चे भी जो बॉर्डर पे वो देशद्रोही है। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जिसने वोट दे के आज सरकार बनाई है उसको देशद्रोही बोलता है। इस तरह की सरकारों को बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए भारतवर्ष में, चाहे कोई भी पार्टी हो। हम लोग इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन हर राजनीतिक पार्टी का विरोध करती है, और इस मंच पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को हम देखना नहीं चाहते हैं। ये आंदोलन प्योर है, किसानों का है और जवानों का है ये आंदोलन। यानी मैं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन पंजाब प्रेजिडेंट, हम लोग आज यहाँ पे किसानों के साथ जब 26 तारीख को जहाँ से आए थे उसी टाइम के लगे हुए हैं। आज से हमारे जो नेशनल प्रेजिडेंट साहब, उन्होंने हुक्म कर दिया कि हमारी जो इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल अटल किसानों के साथ आज से पूरा मोडे नाल मोडा लगा के खड़ी होगी और जवान किसानों के नाल खड़ी होके। इतनी ठंड है, कितने दिन तक ये आंदोलन चल पाएगा? सरकार तो थकाने के मूड में है। हाँ, ठंड की बात करते हो, अरे सरकार को क्या पता साइचन ग्लेशियर का, वहाँ पे हम लोगों ने ड्यूटियाँ की है, ये ठंड की क्या बात कर रहे हैं। हम ऐसी सरकार को पलटी कर देंगे जेकर ये राज करने के लायक नहीं है। तो यहाँ पे जो मुद्दा है, गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिया पंक्चर करके रखा है, दूसरे को करने वाले हैं, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कम से कम जिस तरह से किसान नेताओं ने समझदारी दिखाई है, उनके पक्ष में साईनाथ और बाकी तमाम इंटेलेक्चुअल्स खड़े हुए हैं, उसने इस लड़ाई की धार को बहुत तीखा पैना किया है।